इतना सुंदर पुस्तक है, सुंदर आवरण है, सजाए हुए पृष्ठ है, किंतु क्या ये सत्य में अद्भुत पुस्तक कहलाने की पात्र है? क्या इसमें जो लिखा है वो सत्य है, प्रेरणादायी है, हमारे लिए मूल्यवान है? कैसे निश्चय लिया जाए इस बात का? अब आप सोचेंगे कि सीधी सी बात है, आवरण को देख के पुस्तक की गुणवत्ता कैसे जानी जा सकती है? इसके लिए तो आपको उसे पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, समय देना होगा, है ना? बिल्कुल उचित सोच रहे हैं आप। बस आश्चर्य की बात यह है कि पुस्तक के विषय में आप ये सारी बातें जानते हैं, किंतु किसी व्यक्ति के विषय में आप ये सारी बातें मन में नहीं लाते। व्यक्ति का मूल्यांकन भी उसके वस्त्रों से, उसके शारीरिक रूप से या उसकी सुंदरता से नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको उस व्यक्ति को पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, उसे समय देना होगा। पर हम क्या करते हैं? पहनावे, रंग, सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, उसे प्रेम समझ बैठते हैं, और आए दिन कोई ना कोई ये कहते सुनाई देता है कि उसकी प्रेम कहानी सफल नहीं हो पाई, उसे छल मिला। किंतु इसमें दोष किसी और का नहीं, स्वयं आपका है। आपने उस व्यक्ति को समय नहीं दिया, आपने उस व्यक्ति के विचार नहीं परखे। प्रेम दो क्षण में बनने वाला पकवान नहीं है, इसका स्वाद चखने के लिए आपको जीवन भर का समय देना पड़ेगा। तो समय दीजिए, एक दूसरे के रूप से नहीं, आत्मा से जुड़ी। निश्चित ही मन प्रसन्नता से कह उठेगा, राधे राधे। हम में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वृक्षों को ना देखा, वृक्षों पे इन पक्षियों को ना देखा, इनके घोंसलों को ना देखा, इन पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराते ना देखा। संसार का सबसे ममत्व वाला दृश्य होता है। चिड़िया दूर से अपनी चोंच में दाना भरकर लाती है, स्वयं भोजन करने में असक्षम संतान की चोंच में डालती है, स्वयं भूखी रहकर निस्वार्थ निश्चलता से, और जब संतान के पंख निकल आते हैं वो उसे उड़ना सिखाती है, और उसके पश्चात उसे स्वतंत्र कर देती है अपना जीवन जीने के लिए। इस आकाश में उड़ान भरने के लिए। और हम मनुष्य क्या करते हैं? जिस संतान को हम पंछी की भांति पालते हैं, उसके पंख निकलते ही हम उसे बांध देते हैं, ये सोच के कि कहीं वो दूर उड़कर न चली जाए। ऐसा नहीं कि इस स्थिति में माता पिता को संतान से प्रेम नहीं है, अवश्य, किंतु इसमें प्रेम पर मोह भारी पड़ जाता है, जो स्वयं अपने और संतान के भविष्य के बीच में बाधा बन जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम केवल जन्मदाता हैं, भाग्य विधाता नहीं। तो जब प्रेम में मोह आ जाए तो वो प्रेम नहीं, स्वार्थ बन जाता है। इसलिए प्रेम को पास रखिए और मोह को दूर, क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसका विकास नहीं रोका करते। प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, पर सच पूछो तो ये बंधन से मुक्ति है, स्वतंत्रता है। नहीं समझे? समझाता हूं। यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे, यदि कोई आपका प्रेम समझ ही ना पाए, तो क्या होगा? कुछ उदास हो जाएंगे, कुछ छल करके प्रेम पाना चाहेंगे, तो कुछ बलपूर्वक प्रेम पर अधिकार करना चाहेंगे। किंतु यह आवश्यक नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हो उसे भी आपसे प्रेम, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है, न राज्य है, न धन जिसे आप बल से अपने वश में कर सको। प्रेम वो शक्ति है
जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है किंतु स्वयं किसी बंधन में नहीं फंसती। तो जिससे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है। प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ में आए। तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए।